अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन में हमने 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम मजीद 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच किंग बिगैन अ वॉर टू इन्फोर्स हिज क्लेम्स टू द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1336। द करेक्ट ऑप्शन इज एडवर्ड द थर्ड। मैं आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस बताता जाऊंगा। वीडियो पे आप देख रहे हैं, आपको बाकी ऑप्शंस भी नजर आ रहे हैं। एंड सिंस यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स इन इंग्लिश या आप कैंडिडेट होंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा अगर मैं आपको सिर्फ जो है वो करेक्ट ऑप्शंस ही बताता जाऊं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वुड बी कॉल्ड द इंग्लिश होमर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। द करेक्ट ऑप्शन इज जेफरी चौसर। व्हाट वाज वेलम? वेलम क्या था? वेलम वाज एक्चुअली द पार्चमेंट्स मेड ऑफ एनिमल स्किन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मेडिवल बुक्स सर्वाइव, लार्ज नंबर्स हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड इन व्हाट। द करेक्ट ऑप्शन इज द डिसॉल्यूशन ऑफ मॉनेस्ट्रीज इन द 1530s। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फर्स्ट एक्सटेंडेड रिटन स्पेसिमन ऑफ ओल्ड इंग्लिश। द करेक्ट ऑप्शन इज अ कोड ऑफ लॉज प्रोमल्गेटेड बाय किंग एथेलबर्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग। द करेक्ट ऑप्शन इज एथेलबर्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन एंग्लो सैक्सन हेरोइक पोएट्री व्हाट इज द फेट ऑफ दोज हु फेल टू ऑब्जर्व द सेक्रेड ड्यूटी ऑफ ब्लड वेंजेंस। द करेक्ट ऑप्शन इज एवरलास्टिंग शेम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रिश्चियन राइटर्स लाइक द बीओवुल्फ पोएट लुक बैक ऑन देयर पेगन एंसेस्टर्स विद व्हाट। द करेक्ट ऑप्शन इज विद एडमिरेशन एंड एलिजिक सिंपथी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द यूज ऑफ वेल रोड फॉर सी एंड लाइफ हाउस फॉर बॉडी आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट लिटरेरी टेक्निक्स पॉपुलर इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। द करेक्ट ऑप्शन इज कैनिंग्स KENNING। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। पांच स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें से जो हमारे इस क्वेश्चन की जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज रोमांटिक लव इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ मॉरल कंडक्ट। यानी आपसे पूछा गया कि कौन सी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन नहीं है ओल्ड इंग्लिश पोएट्री की तो द करेक्ट ऑप्शन इज रोमांटिक लव इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ मॉरल कंडक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लिटोटस अ फेवरेट रिटोरिकल डिवाइस इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। द करेक्ट ऑप्शन इज आयरोनिक अंडरस्टेटमेंट। हाउ डिड हेनरी द सेकेंड द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड्स प्लांटेजेनेंट किंग्स अक्वायर वेस्ट प्रोविंसेस इन सदर्न फ्रांस। द करेक्ट ऑप्शन इज बिकॉज ऑफ हिज मैरिज टू एलियनोर ऑफ एक्विटेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड नॉट को एग्जिस्ट इन एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड। द करेक्ट ऑप्शन इज डच। लैटिन भी थी, फ्रेंच भी थी, कैल्टिक भी थी, इंग्लिश भी थी, डच लैंग्वेज जो थी दैट वॉज नॉट को एग्जिस्टिंग इन द एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच 12th सेंचुरी पोएट और पोएट्स वर इंडेप्टेड टू ब्रिटेन स्टोरी टेलर्स फॉर देयर नैरेटिव्स। फर्स्ट ऑप्शन है जेफरी चौसर, सेकेंड है मेरी डी फ्रांस, थर्ड हमारा ऑप्शन है क्रिटियन डे ट्रॉयस और नेक्स्ट ऑप्शन है ए एंड सी ओनली एंड नेक्स्ट ऑप्शन है बी एंड सी ओनली। द करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी ओनली। यानी मेरी डी फ्रांस एंड क्रिटियन डे ट्रॉयस ये दो पोएट्स थे जो जिनका वर्क जो है ये ब्रिटेन के जो स्टोरी टेलर्स थे उनसे लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू व्हाट डिड द वर्ड द रोमन फ्रॉम विच द जॉनरे ऑफ रोमांस इमर्ज इनिशियली अप्लाई। इट अप्लाइड। द करेक्ट ऑप्शन इज अ वर्क रिटन इन द फ्रेंच वर्नैक्युलर। यानी फ्रेंच वर्नैक्युलर के अंदर जो काम होता था उसको रोमांस कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पॉपुलर इंग्लिश अडेप्टेशन ऑफ रोमांसेज अपील प्राइमरली टू द रॉयल फैमिली, द लोअर ऑर्डर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, द क्लर्जी और द वेल्श। द करेक्ट ऑप्शन इज द क्लर्जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्लाइमैक्स ऑफ जेफरी ऑफ मॉनमाउथ्स द हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ ब्रिटन्स। द करेक्ट ऑप्शन इज द रीन ऑफ किंग आर्थर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक्रीन रिवल इज अ मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर व्हाट। द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर वुमेन हु हैव चोजन टू लिव एज रिलीजियस रिक्लूजेस। यानी कि अकेली जो राहिबा के तौर पर जो औरतें रहती हैं उनके लिए लिखा गया एक मैनुअल है एक्रीन रिवल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्टाइल ऑफ द आउल एंड द नाइटिंगेल एंड एक्रीन रिवल शो व्हाट अबाउट द पोएट्री एंड प्रोज रिटन अराउंड द ईयर 1200। द करेक्ट ऑप्शन इज जो ऑप्शन दिए गए हैं दे वर रिटन फॉर सोफिस्टिकेटेड एंड वेल एजुकेटेड रीडर्स, राइटिंग कंटिन्यू टू बेनिफिट ओनली रीडर्स फ्लुएंट इन लैटिन एंड फ्रेंच। देयर रीडर्स प्राइमरी लैंग्वेज वॉज इंग्लिश।
ए एन सी ओनली और ए एन बी ओनली, द करेक्ट ऑप्शन इज ए एन सी ओनली। यानी कि ये जो द स्टाइल ऑफ यू नो ऑल एंड द नाइटिंगेल है और एक्रीन रिवल है, ये वेल एजुकेटेड रीडर्स के लिए लिखा गया था और ऐसे रीडर्स के लिए जिनकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन एडिशन टू जेफरी चौसर एंड विलियम लैंगलैंड, द फ्लावरिंग ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर इज एविडेंट इन द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स, जेफरी ऑफ मॉनमाउथ, द गैबियन पोएट, द बियोवुल्फ पोएट, क्रिशियन दे ट्रॉयस और मेरी डी फ्रांस, द करेक्ट ऑप्शन इज द गैबियन पोएट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द रेबल्स ऑफ 1381 टारगेट द चर्च, बीहेडिंग द आर्च बिशप बिशप ऑफ कैंटरबरी, द करेक्ट ऑप्शन इज द चर्च वॉज अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑप्रेसिव लैंड ऑनर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच इन्फ्लुएंशियल मेडिवियल टेक्स्ट परपोर्टेड टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ द आफ्टर लाइफ, द करेक्ट ऑप्शन इज दांतेस डिवाइन कॉमेडी। इसको आप डेंटे भी पढ़ सकते हैं, उर्दू में इसको दांते भी कहते हैं। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ पियर्स लोमैन, द करेक्ट ऑप्शन इज विलियम लैंगलैंड। तो ये किसकी किताब है, विलियम लैंगलैंड की किताब है। ओके, व्हाट इवेंट रिजल्टेड फ्रॉम द प्री मेच्योर डेथ ऑफ हेनरी द फिफ्थ, द वॉर ऑफ रोजेज, वॉर ऑफ द रोजेज जो थी उसमें हेनरी पंजम जो था उसकी डेथ हो गई थी। विच लिटरेरी फॉर्म डिवेलप्ड इन द 15th सेंचुरी परसोनिफाइड वाइसेज एंड वर्चूज, द करेक्ट ऑप्शन इज द मोरालिटी प्ले। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जूलियन ऑफ नॉर्विक इज ट्रू, she sought unsuccessfully to resort classic paganism, she was a virgin martyr, she is first known woman writer in the English vernacular। जी, ये ऑप्शन आपका दुरुस्त है कि she is first known woman writer in the English vernacular। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। Which of the following authors is considered a devotee to chivalry as it is personified in Sir Lancelot, Julian of Norwich, मार्गरे कैंपे, विलियम लैंगलैंड और सर थॉमस मैलोरी, द करेक्ट ऑप्शन इज सर थॉमस मैलोरी। थॉमस भी पढ़ सकते हैं, थॉमस भी पढ़ सकते हैं। ओके, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ चौसर्स फादर, द करेक्ट ऑप्शन इज ही वाज अ वाइन मेकर। चौसर बिकेम अ पेज टू विच किंग्स डॉटर इन लॉ, पेज कहते हैं जो जो अतालीक होता है, जो घर जाके पढ़ाने वाला उस्ताद होता है, द करेक्ट ऑप्शन इज एडवर्ड द थर्ड। Which of these is not certain about Chaucer? क्या हमें नहीं पता चौसर के बारे में? The correct option is his birth date. हमें उसकी date of birth के बारे में exact मालूमात नहीं है। अच्छा, which of these kings was not served by Chaucer? Edward the Third, Henry the Second और Richard the Second? The correct option is Henry the Second. चौसर जो था उसने एडवर्ड थर्ड को भी सर्व किया था, रिचर्ड सेकंड को भी सर्व किया था, उसने हेनरी सेकंड को सर्व नहीं किया। ओके, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द 100 इयर्स वॉर, द करेक्ट ऑप्शन इज 1337 टू 1453। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ओके, व्हाट डिड चौसर्स वाइफ यूज टू डू, द करेक्ट ऑप्शन इज दैट ही वॉज लेडी इन वेटिंग टू क्वीन फिलिप ऑफ हैनॉट। ओके, वन ऑफ द चौसर्स डॉटर वॉज अ म्यूजिशियन, एन एस्ट्रोनॉमर और अ नन, द करेक्ट ऑप्शन इज अ नन। In which year Chaucer was imprisoned by the French? The correct option is 1360. 1360 में चौसर को इम्प्रिजन किया गया था। Chaucer was fined in 1367 or 1366 for what? The correct option is for beating a friar in a London street. Next हमारा question है that Chaucer was made in charge of many palaces. Which of these was not in his charge? यानी काफी सारे पैलेसेस का वो इंचार्ज था, तो यहाँ पे चार पैलेसेस के नाम लिखे गए हैं, आपने उसमें से बताना है कि किस पैलेस का वो इंचार्ज नहीं था। वेस्टमिनिस्टर पैलेस, टावर ऑफ लंदन, सेंट जॉर्ज चैपल एट विंडसर और बुकिंगम पैलेस, द करेक्ट ऑप्शन इज बुकिंगम पैलेस। यानी बाकी तीन पैलेसेस का वो इंचार्ज रहा था, बुकिंगम पैलेस का वो इंचार्ज नहीं रहा। चौसर एक्टेड एज अ कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स ड्यूरिंग विच पीरियड, द करेक्ट ऑप्शन इज 1374 टू 1385। चौसर वॉज रिलीज फ्रॉम लीगल एक्शन बाय Who in a deed of May 1, 1380 from rape and abduction? The correct option is Miss Cecily Champagne. Okay, next number question hai, Chaucer became a member of parliament in which year? The correct option is 1386. Chaucer buried in a corner of Westminster which came to know as, the correct option is Poet's Corner. Usko na Chaucer's Corner kehte hain, na Legend's Corner kehte hain, balki usko Poet's Corner kehte hain. ओके, व्हाट वाज चौसर्स प्रोफेशन, द करेक्ट ऑप्शन इज अ सिविल सर्वेंट। चौसर क्या था, एक सिविल सर्वेंट था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन ऑफ मार्लोज, अब हम क्रिस्टोफर मार्लो की तरफ मूव कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो एमसीक्यूज हैं ये एक फ्लो में हैं। वन ऑफ द मार्लोज अर्लीस्ट पब्लिश्ड वर्क वाज हिज ट्रांसलेशन ऑफ द एपिक पोएम
फरसालिया रिटन बाय विच रोमन पोएट, द करेक्ट ऑप्शन इज लूकान। लूकान की लिखी हुई एक पोएम थी फरसालिया, जिसका तर्जमा किया था क्रिस्टोफर मार्लो ने। मार्लोज पोएम द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव बिगिंस विद द लाइन कम विद मी एंड बी माई लव। विच अदर इंग्लिश ऑथर रोट अ फेमस पोएम बिगिनिंग विद द सेम लाइन, द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन डन। जॉन डन ने भी एक पोएम लिखी है जो इसी लाइन से स्टार्ट होती है। इन मार्लोज प्ले व्हाट वाज द नेम ऑफ ज्यू ऑफ माल्टा, जो ज्यू ऑफ माल्टा एक प्ले लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने, तो उसमें जो ज्यू था उसका नाम क्या था, द करेक्ट ऑप्शन इज बारबास। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ हैप्पीनेस वाज डॉक्टर फॉस्टस प्रॉमिस्ड बाय द डेविल, कितने साल के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कितने साल का वादा किया था डेविल ने फॉस्टस को हैप्पीनेस के लिए, द करेक्ट ऑप्शन इज 24 ईयर्स। ओके, विच ऑफ दीज किंग्स वाज द सब्जेक्ट ऑफ अ प्ले बाय मार्लो, द करेक्ट ऑप्शन इज एडवर्ड द सेकंड, यानी एडवर्ड द सेकंड के ऊपर भी क्रिस्टोफर मार्लो ने एक प्ले लिखा था। वन ऑफ मार्लोज मोस्ट फेमस पोइम्स वाज एन अकाउंट ऑफ विच लवर्स, द करेक्ट ऑप्शन इज हीरो एंड लियंडर। हीरो एंड लियंडर जो था जो थे, इनके ऊपर क्रिस्टोफर मार्लो ने एक पोएम लिखी थी। मार्लोज प्ले टैमरलेन द ग्रेट वाज बेस्ड लूजली ऑन द लाइफ ऑफ विच एशियन रूलर, द करेक्ट ऑप्शन इज तैमूर। ना उसने जंगेज खान के बारे में लिखी थी, ना कुबलाई खान के बारे में, बल्कि ये पोएम जो थी ये तैमूर के बारे में थी। ओके, विच वाज द टाइटल ऑफ द प्ले बाय मार्लो दैट पोर्ट्रेट द इवेंट्स सराउंडिंग द सेंट Bartholomew's Day Massacre in 1572, the correct option is The Massacre at Paris. Achha, in the title of Marlowe's play of Where Was Dido the Queen, the correct option is Carthage. Okay, 50 हमारे MCQs हो गए, next चलते हैं। Who was England's first official poet laureate, the correct option is John Dryden. Okay, in what country is Dr. Faustus based, ये भी important question है, the correct option is Germany. ओके, व्हेन इज इट एस्टिमेटेड वाज डॉक्टर फॉस्टस फर्स्ट परफॉर्म, तो डॉक्टर फॉस्टस की फर्स्ट परफॉर्मेंस कब हुई थी, द करेक्ट ऑप्शन इज 1594। एट व्हाट फेमस यूनिवर्सिटी इज फॉस्टस अ स्कॉलर, द करेक्ट ऑप्शन इज विटनबर्ग, यानी ड्रामा के अंदर डॉक्टर फॉस्टस किस यूनिवर्सिटी का स्कॉलर होता है, द करेक्ट ऑप्शन इज विटनबर्ग। फॉस्टस सर्वेंट शेयर्स हिज नेम विद अ फेमस जर्मन कंपोजर, क्या नाम है उसका, द करेक्ट ऑप्शन इज वैगनर। Faustus asks two magicians to aid him in summoning the devil. What are their names? The correct option is Valdes and Cornelius. Achha, through his magic, Faustus is visited first by which of the devil's angels? The correct option is Mephistopheles. Okay, next hamara question hai ki what does Faustus promise to the devil in exchange for great knowledge, riches and power for a period of 24 years? The correct option is his soul. Ye bhi important hai. Okay, which of the following qualities would most accurately describe Faustus's character at the beginning of the play? Kya lagta hai start mein? He is kind, he is stupid, he is sensitive, or he is arrogant? The correct option is arrogant. Which powerful figure does Faustus ridicule with his newfound powers? The correct option is the Pope. At the end of the play, Faustus is dragged down to hell, begging to repent. Ye baat durust hai ya galat hai? The correct option is it is true. Renaissance. Renaissance is a French word, Italian word, Greek word, or Spanish word. The correct option is it is a French word. What is the meaning of Renaissance? The correct option is rebirth, revival, and reawakening. Renaissance first came to which country? The correct option is Italy. Which of the following are university wits? अब इसमें नाम दिए गए हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका है सी ऑप्शन, जॉन लाइली एंड रॉबर्ट ग्रीनी, ये दोनों जो थे ये यूनिवर्सिटी विट्स में से थे। यूनिवर्सिटी विट्स वर दोज हु, करेक्ट ऑप्शन इज दैट हु हैड ट्रेनिंग एट टू यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच सेंचुरी इज नोन एज डॉन ऑफ रेनेसा, 14th, 15th, 16th, or 18th, द करेक्ट ऑप्शन इज 15th सेंचुरी जो है इसको डॉन ऑफ रेनेसा कहा जाता है। अच्छा, विलियम वेक्सटन हु वाज बोर्न इन 1422, द करेक्ट ऑप्शन इज विलियम कैक्सटन। चार इसमें नाम दिए गए हैं, थॉमस मोर, जॉन लाइली, रॉबर्ट हेनरी एंड विलियम कैक्सटन, द करेक्ट ऑप्शन इज विलियम कैक्सटन। आपको अगर याद हो तो विलियम कैक्सटन ये वही बंदा है जिसने प्रिंटिंग प्रेस भी बनाई थी। यूटोपिया वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन, द करेक्ट ऑप्शन इज 1516 में यूटोपिया जो है ये पब्लिश हुई थी। Who translated Utopia in English language? The correct option is Ralph Robinson. ये भी important question है। Next हमारा question है, the first complete version of Bible in English language was made by Wycliffe. Wycliffe जो था, इसने पहला तर्जमा किया था English language के अंदर Bible का। Who took degree at 15 from Cambridge in 1518? The correct option is Thomas Wyatt.
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु रोट मिरर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स? द करेक्ट ऑप्शन इज थॉमस सैकवायल। थॉमस सैकवायल जो था इसने मिरर्स फॉर मैजिस्ट्रेट लिखी थी। फिलिप सिडनी वॉज बोर्न ऑन 30th नवंबर, साल कौन सा था? द करेक्ट ऑप्शन इज 1554, 1554 में सर फिलिप सिडनी जो थे ये 30 नवंबर 1554 को पैदा हुए थे। ओके, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज, ये क्या है? एलिगोरी है, एपिक है, बैलेड है या सोनेट है? द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इट इज अ सोनेट, जो 14 लाइन की पोइम होती है। ग्रेवाइल वॉज बायोग्राफर ऑफ एडमंड स्पेंसर, जॉन डॉन, सर फिलिप सिडनी और जॉन मिल्टन? द करेक्ट ऑप्शन इज फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी के बायोग्राफर का नाम ग्रेवाइल था। ओके, द प्रिंस ऑफ पोएट्स इन हिज टाइम ऑन होम ग्रेव द इंस्क्रिप्शन इज गिवन? द करेक्ट ऑप्शन इज एडमंड स्पेंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, व्हाट इज फेरी क्वीन? फेरी क्वीन का जॉनरा कौन सा है? एलिगोरी है, एपिक है, बैले है, सोनेट है? द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इट इज एन एलिगोरी। ओके, इन हूज रीन मोरालिटी प्लेस बिगैन? हेनरी द फिफ्थ, एलिजाबेथ वन, हेनरी सिक्स और हेनरी एट? द करेक्ट ऑप्शन इज हेनरी सिक्स। विच बुक एडमंड स्पेंसर डेडिकेटेड टू द फिलिप सिडनी? द शेफर्ड्स कैलेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडमंड स्पेंसर ने अपनी कौन सी किताब जो थी उसका इंतसाब जो था वो फिलिप सिडनी को किया था। द करेक्ट ऑप्शन इज द शेफर्ड्स कैलेंडर। अच्छा, विच पोएट वॉज फर्स्ट हु यूज्ड मेटाफिजिकल पोएट्री अमॉन्ग हिज कंटेम्परेरीज? तो पहला कौन सा मेटाफिजिकल पोएट था? द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन डॉन। The first regular English comedy based on the model of Latin comedy is attributed to which person? The correct option is Nicholas Udall. Thomas Kyd achieved great popularity with which of his books? The correct option is The Spanish Tragedy. Marlowe was born in which year? He was born in 1564. Acha, in The Tragic History of Dr. Faustus, Faustus kaun tha? Faustus was a German scholar. The correct option is German scholar. Who wrote The Massacre at Paris? पहले भी बात कर चुके हैं, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था। After the death of Christopher Marlowe, who completed his unfinished poem Hero and Leander? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The correct option is George Chapman. George Chapman जो था उसने क्रिस्टोफर मार्लो की जो अनकम्प्लीटेड पोएम थी, अनफिनिश्ड पोएम थी, उसको कंप्लीट किया था। अच्छा, who succeeded John Lyly? The correct option is Robert Greene. Which of the Marlowe's plays were written in collaboration with Thomas Nash? The Tragedy of Dido and Queen of Carthage. ये दो प्लेज जो थे ये क्रिस्टोफर मार्लो ने थॉमस नैश के साथ मिलकर लिखे थे। ओके, हु वॉज द सन ऑफ अ रिच लंडन मर्चेंट एंड बॉर्न इन 1557? द करेक्ट ऑप्शन इज थॉमस लॉज। द कलेक्शन ऑफ द पेपर्स एंड कॉरिस्पॉन्डेंस ऑफ अ वेल टू डू नॉरफोक फैमिली इज नोन एज द पास्टर्न लेटर्स। हु रोट हॉली सॉनेट्स? द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन डॉन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, लाइंस हैं, आपने बताना है कि किसकी लाइंस हैं। आई एम इन्वॉल्व्ड इन मैनकाइंड एंड देयरफॉर नेवर सेंट टू नो फॉर हूम द बेल टॉल्स, इट टॉल्स फॉर दी। ये किसकी लाइंस हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन डॉन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस अ कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स इज रिटन बाय? द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट वॉज लॉस्ट बाय ईव, एडम, बोथ ए एंड बी और सेटन? द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, यानी एडम और ईव दोनों से जन्नत जो थी वो छीन गई थी। In Paradise Regained, who regained the paradise? Satan, Jesus, Adam and Eve or only Adam? The correct option is Adam and Eve. Okay, which of the following published in 1579 and although it placed Spencer immediately in the highest ranks of living writers? The correct option is The Shepherd's Calendar. Next hamara question hai, the third last. Spencer married in June 11th. 1594 किसके साथ इसने शादी की थी? द करेक्ट ऑप्शन इज एलिजाबेथ बॉयल, डॉटर ऑफ जेम्स बॉयल। नेक्स्ट सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि जॉन डन्स द एनिवर्सरीज, एनिवर्सरीज क्या है? इट इज एन एलेजी इन टू पार्ट्स, एन एपिक इन थ्री पार्ट्स, अ बैले इन फोर पार्ट्स और नन ऑफ दीज? द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इट इज एन एलेजी इन टू पार्ट्स। लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द चाइल्ड ऑफ रेनेसा? क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन मिल्टन, एडमंड स्पेंसर और डॉक्टर जॉनसन? द करेक्ट ऑप्शन इज एडमंड स्पेंसर। तो आज हमने 200 MCQs मुकम्मल कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मजीद 100 MCQs करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और इंग्लिश के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। खुदा हाफिज़।